नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम बीके न्यूज चैनल सच का साथ। की खबर, अयोध्या से अंबेडकर नगर सहकारी बैंक का चुनाव हुआ संपन्न। चुनाव में अयोध्या अंबेडकर नगर सहकारी बैंक के भाजपा सभापति प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह ढिल्लो नवनिर्वोध नवनिर्वाचित हुए, वहीं सभी नवनिर्वोध चुने भी गए। इसके दौरान ही डायरेक्टर को भी नवनिर्वोध जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित सभापति धर्मेंद्र सिंह ढिल्लो को भाजपा के पूर्व प्रथम महापौर ऋषिकेश उपाध्यक्ष ने माला पहनाकर मौके भेंट कर उन्हें बधाई। प्राइम बीके न्यूज चैनल के लिए आजम खान, अयोध्या। कोऑपरेटिव बैंक के सभापति का निर्वाचन हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता और जो पिछली बार भी सभापति थे, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें पुनः प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। पूरे अयोध्या जनपद सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचन श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह ढिल्लो का तय हुआ है, जो अभी 4 बजे फाइनल हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रताप सिंह ढिल्लो जी बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और बहुत सुचारू रूप से कोऑपरेटिव बैंक को इन्होंने चलाया है और यह बैंक इन्होंने फ़ायदे मिलाकर और किसानों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से समाधान करते हुए बैंक को भी लाभ मिलाकर दिया है। इसलिए पुनः प्रदेश नेतृत्व ने इन पर विश्वास व्यक्त किया है। ढिल्लो भाई को बहुत बहुत बधाई। देखिए, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का शासन है। उसी क्रम में पिछली बार भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभापति और पुनः इस बार निर्विरोध निर्वाचन हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह ढिल्लो जी का पुनः निर्वाचन तय है। किसानों के लिए जो अब तक 2014 के पहले समस्याएं थी, वो जो है पिछली बार भी मैं समिति का अध्यक्ष भी रहा हूँ और हमारी पत्नी डायरेक्टर हुई है अगली बार तारुण निर्वाचन क्षेत्र 5 से, और जो है जो भी किसानों के लिए आएगा समस्या आएगी वो उसको हम अच्छे ढंग से जो है बैंकों में समितियों पे जो भी होगा क्रियान्वयन करवाएंगे। क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह।